नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख अनाज मंडियां हैं और मैं सर्वाधिक बड़ी और सबसे ज़्यादा आवक होने वाली जो मंडियां हैं उनमें प्रमुख तौर पर लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। और इस वक्त लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में भी सोयाबीन की जो आवक है वो लगातार बनी हुई है। चूँकि अब धीरे धीरे सोयाबीन की आवक कम हो रही है, यही कारण है कि दाम में भी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखने मिल रही है। सोयाबीन के व्यापारी हमारे साथ हैं, इनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थिति अभी सोयाबीन के व्यापार को लेकर के बन रही है और किस तरह की आवक जो है वो सोयाबीन की हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि किस तरह की आवक हमारे पास सोयाबीन की है और क्या कुछ संभावनाएँ आने वाले समय में सोयाबीन की। मेरा नाम है रितेश अग्रवाल। सोयाबीन में आवक तो ठीक है, 2500-3000 बोरी की हो रही है। छोटे वाहन तो पूरे आ रहे हैं, बाकी माल उसमें कम है, तो 18 बोरी 20 बोरी का वाहन आ रहा है। एक्चुअली अभी कुछ जगहों में 2-3 दिन में सोयाबीन के कुछ भाव भी बढ़ चुके हैं, प्लांटों को प्रॉपर माल नहीं मिल पा रहे हैं, इम्पोर्ट भी कमी है और फॉरेन भी थोड़ा साथ में, इसीलिए आगे आगामी ऐसा लग रहा है कि कुछ सोयाबीन में भाव सुधर सकते हैं। 5,000-5100 रुपये के आसपास सोयाबीन का भाव दिख सकता है कुछ ही दिनों में। अच्छा, लगातार मंडियों की छुट्टियाँ, सरकारी छुट्टियाँ आने से भी माल की मिलकत कम होने के कारण भी कुछ बाजार में सुधार आ सकता है। और यदि हम बात करें तो DOC की डिमांड किस तरह से हमारे पास है और क्या DOC की डिमांड के कारण भी भाव में उतार चढ़ाव किस तरह देखने मिल रही है? हाँ जी, DOC में भी लेवाली है, बाकी तेल में कुछ ज़्यादा उछाल आया है। अगर अपन फॉरेन मार्केट में देखें तो तेल में लेवाली है, इस कारण थोड़ा सा बाजार आगामी दिनों में सुधर सकता है। 5,000-5100 रुपये मंडी में माल दिख सकता है। इसी को ध्यान में रख के कुछ अच्छे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, उन्होंने भी माल को रोक रखा है कि 5,000 रुपये के आसपास ही किसान अच्छे मालों में बेचवाल मंडी में आ जाए, उस समय एक बार मंडी में फिर एक बार सोयाबीन की आवक बढ़ सकती है। यदि हम बात करें तो तेल की डिमांड हमारे पास किस तरह की है, क्या तेल की डिमांड के कारण जो है सोयाबीन की डिमांड होगी? हाँ, तेल का कुछ गवर्नमेंट का इम्पोर्ट भी होता है, जिसके कारण अभी पिछले हफ्ते में वापस बाजार में कुछ गिरावट आई थी। बाकी तेल की डिमांड 12 महीने बनी रहती है और अभी कुछ त्यौहारों के कारण भी अच्छी है। और यदि हम बात करें तो सोयाबीन हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है, क्योंकि सोयाबीन का मौसम जो है कहीं भी नहीं है, सोयाबीन की बिक्री शुरू होती थी लेकिन अभी भी आवक कम है, ऐसी भी जानकारी मिलती रहती है कि किसानों ने स्टॉक कर लिया, इस कारण से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारियों के पास भी काफी स्टॉक है, 5,000-5,500 रुपये की रेंज है। जैसे दिवाली मुहूर्त देखा जाए तो दिवाली मुहूर्त पे 55-56 रुपये सोयाबीन बिक रही थी। उसके बाद व्यापारियों के पास भी 5,000 का स्टॉक है, किसानों ने भी अच्छे माल की मतलब एवरेज माल आ रहे हैं मंडी में। जहाँ बाजार में कुछ सुर्खी आती है, बाजार जैसे 5,000 के आसपास रहता है 50 रुपये, तो अच्छे मालों मंडियों में आना चाहिए। और यदि हम बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह की संभावना है कि आवक हमारे पास बढ़ेगी, और यदि आवक नहीं बढ़ती तो क्या फिर दाम बढ़ने की संभावना हमारे पास? बिल्कुल बढ़ेंगे साहब, अगर आवक कमजोर होती है तो दाम तो बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो अच्छे माल आएंगे। किसान 5,000 पे किसान बेचता है और नीचे 4,300-4,600 रुपये में मतलब एक एवरेज ही बेचता है किसान, तो क्वान्टिटी में माल भी बेचता है। और यदि हम बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट की किस तरह की स्थिति है, क्या हम अभी जो है एक्सपोर्ट करने की स्थिति ना है? इम्पोर्ट में भी गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले तेल का इम्पोर्ट करा था, सोयाबीन का भी इम्पोर्ट करा था, बाकी जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी तक हद तक खप चुकी है। अभी तक क्वांटिटी में सोयाबीन इम्पोर्ट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है आगामी दिनों। और यदि हम बात करें तो आने वाले दिनों में जो है संभावना ये भी है कि एक्सपोर्ट हम सोयाबीन का करते रहेंगे, तो काफ़ी कुछ स्थिति यहाँ पर तेज है? नहीं, एक्सपोर्ट होगा तो और काफ़ी तेजी आ जाएगी। इस हिसाब से पूरे MP में अगर अपन काउंट किया जाए तो इतनी सोयाबीन की आवक नहीं है। अच्छा, किसान चने में और गेहूँ में डाइवर्ट हो गया है, गेहूँ बेचने में आ गया, गेहूँ में भी पिछले कुछ दिनों में नीचे से 2-100 रुपये का सुधार आ गया है, तो किसान फिर बेचने लग गया, और 2400 रुपये गवर्नमेंट तो लग रही है, तो किसान गेहूँ में डाइवर्ट हो गया, इस कारण सोयाबीन में भी रुका हुआ है। सोयाबीन जब थोड़ी सी इसमें तेजी आएगी तो किसान निश्चित तौर पर, तो यदि सोयाबीन के व्यापारी एक स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव की जो संभावना है वो सोयाबीन के व्यापार में देखने मिल सकती है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से।